क्लास करते हैं। चलिए हम नरेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज आपसे एक्सरसाइज करवानी है। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, एक्सरसाइज चलेगी अपनी आज। कल एक्सक्लेरेटरी कंप्लीट हो चुका था ना, कहाँ बैठे हो? बहुत देर बाद में आ रहे हो, कहाँ चले गए थे भाई? मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, तुम कहाँ बैठे थे? चलिए आज एक्सरसाइज होगी ना, एक्सक्लेरेटरी कंप्लीट हो चुका है अपना, ओके? तो अपने आप को तैयार करें, जितना क्वेश्चन आपसे बनता है वो बनाएंगे आप, ठीक है? संडे को आपका टेस्ट है, वो अलग चीज है। आज हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस को यहाँ बना के पूरी क्लास में आज उसी को क्लियर करेंगे। ये आपका अब तक का जो पढ़ा हुआ है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें यही देखना है बस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, सभी धाम चल। फर्स्ट क्वेश्चन द टीचर शेड, द टीचर शेड दिख रहा है सबको क्वेश्चन, चेंज करना शुरू कर दे।
कर चुके हैं सभी, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है क्या बताए, इसको सॉल्व करें, ध्यान दें सभी लोग, फर्स्ट वाले पे ध्यान देने सभी, देखिए तो टीचर शायद है, व्हाट आर यू डूइंग स्टूडेंट्स, ओके द टीचर asked the students, the teacher asked the students, remove the comma, what they were doing, check करिए अपने आपको, the teacher, sorry मैं लिखा नहीं, the teacher asked the students what they were doing, clear, check करिए गलती कहाँ आई है, किस चीज को आप अंडरस्टैंड करने में रह गए थे, वो चेक करिए अच्छे से, ओके आपका सही है एक्सीलेंट, सही नहीं है तो सही आंसर लिखिए इसको, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड को चेंज करें, आप सेकंड करते हैं तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने शो करके नीचे देखता हूं, थर्ड को ही देखना है, अभी सेकंड वाला कंप्लीट करना है, अपने आप को कंफर्म कर ले कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं, मेरा सही है, अपने आई विल सॉल्व ध्यान देंगे, फिर थर्ड वाले पे जाना है, पहले नहीं जाना है थर्ड वाले, ठीक है चले, आई थिंक सेकंड कर चुके होंगे आप, चलिए सेकंड को चेक करिए पहले, सम साइड टू मोर, हियर इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हो गया आंसर, मोर कोमा रिमूव करके, इफ इफ ही वुड कम again the next day, हो गया चेक करें अपने आप को, कोई गलती हुई है क्या, शाम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड कम अगेन द नेक्स्ट डे, क्लियर वेरी क्लियर, चलिए गलतियां हुई है तो सही कर लेंगे, सही हो गया है तो दी बेस्ट है,
ये हमारा साइटोडोक्रसी। अब थर्ड पे आ जाइए सभी लोग, थर्ड को सोल्व करने लग जाइए। कंप्लीट, आगे चलते हैं। देखिए थर्ड को देखिए, क्वेश्चन मार्क, सीता आस्क्ड मीना, आस्क्ड मीना इफ सी न्यू हर पेरेंट्स। देख लीजिए अच्छे से, इफ सी न्यू हर पेरेंट्स, देखें और जांच करें अपने आंसर की। न्यू इफ सी और हर तो आप चेंज कर लिए होंगे, टेंस न्यू गलत हुआ किसी का, बाय द वे कोई गलती हुई हो चेक करें, ठीक है। चलिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट। चलिए शेड टू, उनको कौन ही लगा, पुलिस स्टॉप ही लगा। ठीक है, देखिए शेड टू चेक करिए इसको, डू स्टार्ट में है, डू स्टार्ट में है। इफ वी सॉ दिस डू एज द हेल्पिंग वर्ब देन वी हैव टू सी द अदर थिंग द क्वेश्चन मार्क। अगर इसको डू मान लें तो हमें यहां क्वेश्चन मार्क भी देखना है, ओके। And there is no any question mark, so this is not
इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। तो फादर फॉरबेड शन, फादर फॉरबेड शन टू डू दैट, फादर फॉरबेड सन टू डू दैट। मैं लिख देता हूं शन, तो क्या आएगा फादर, चेक करना अपने आप, फादर फॉरबेड सन टू डू दैट। दूसरा यहां लिख रहा हूं फादर फादर टोल्ड सन नॉट टू डू दैट, टोल्ड अगर बाय द आपने लिखा हो एडवाइज्ड, ये गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर एडवाइज्ड सन नॉट टू डू दैट, चेक कर लीजिए ऐसे और ऐसे दोनों वे में कोई सा भी वे आपने यूज किया हो दोनों सही है। ओके आपके जितने चेहरे मेरे सामने हो ऐसा लगा आपको देख करके कि गलती हुई है, गलती हुई है ऐसा आपके चेहरे से मुझे लग रहा है। तो क्या आपने ये बनाया था इसमें गलती हुई या फिर ये बनाया, फिफ्थ को कंप्लीट कर दीजिए, कर चुके हैं, देखो मैंने आपको पहले लिखा है कंप्लीट कर चुके हैं तो मुंडी से बोलिए कर चुके हैं, दिखता है सब कुछ, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। देखो कितना शानदार स्टडी हो रही है कि बोलने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बोलने में एनर्जी लॉस होती है, बोलने में एनर्जी लॉस होती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, मस्त बोलिए हो गया नहीं हुआ बस पता चल गया, ठीक है। चलिए फिफ्थ को आराम से एक बार फिर से आपको टाइम दे रहा हूं मैं, देख ले एक बार फिर से, क्योंकि ऐसी गलती करते हो जो आंसर दिखते ही बड़ा शौक लगता है, अरे मन ये नहीं बदला ऐसा मन करता है, तो आराम से ध्यान दे लीजिए नो प्रॉब्लम। चलते आगे फिफ्थ को मैं सॉल्व करता हूं, देखेंगे सब लोग। हाउ वेल सी सिंग्स, हाउ हाउ दिखाई दिया आपको तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी होना चाहिए। इफ यू थिंक दिस इज डब्ल्यू एच वर्ड, आप मानते हो कि डब्ल्यू एच वर्ड है आप, बट डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात नहीं है, बाय द वे हो सकता है हेल्पिंग वर्ब कहीं छुपी हुई हो दिख नहीं रही हो हमें, तो सेकंड टाइम और चेक करना है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे नहीं है। ओके सो नाउ वी हैव कंफर्म इट, हम इसे फिक्स कर चुके हैं, नो हेल्पिंग वर्ब नो क्वेश्चन वर्ड, सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence, okay? So he exclaimed with
वंडर या सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी सिंस शेड हाउ वेरी वेल, चेक कर लीजिए अपने आप, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज चीज है, अगर किसी ने बायोडाल वर्डर लिखा हो नो प्रॉब्लम, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, सेम मीनिंग। He exclaimed with surprise or wonder that sea shined very well. Now check. Complete. Complete with mistake. है ना? Complete with mistake. कोई बात हम सीख रहे हैं, अब से पहले रूल सीखे थे, अब से पहले रूल सीखे थे, अब बनाना सीख रहे हैं। अब यह सीखने का पार्ट है, आपका एग्जाम पार्ट नहीं है। चलते हैं, मैं जो बता रहा हूं आपको इसमें बड़ा कोचिंग क्या है कि लिखे हुए सेंटेंस को आप स्टडी करें और ये जान जाए कि ये सेंटेंस कौन से रूल का है, फिर गलतियां हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्टडी करेंगे अभी आ जाएंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। सी सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू, चेंज करिए, तब तक मैं आपके लिए नया कोई ना कोई आइटम लेके आता हूं। सेवंथ, कंप्लीट हो गया ना? चले ध्यान दो, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए एक बात को सुने बीच में कि टेंथ में फिलहाल जो मैं आपके नंबर देख पा रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 29 है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 29 स्टूडेंट्स अपनी क्लास में एट प्रेजेंट हैं, बट मेरे सामने ओनली 8 स्टूडेंट है, 8 भी जिनके इंस्ट्रूमेंट, जिनके जो इंस्ट्रूमेंट है, स्टडी इंस्ट्रूमेंट है, लाइक मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, कहीं एलईडी स्क्रीन भी बहुत बढ़िया लगी आजकल, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, I don't know about that, पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि अगर जिन जिन लोगों को 29 स्टूडेंट्स को जिन जिन के पास में अवेलेबल है कि यू मे बी विजिबल, तो विजिबल रहा करो। आप लोगों को एक गलत फोबिया किसने डाल दिया कि डेटा ज्यादा खर्च होता है, नेट स्लो हो जाता है, कहने की ज्ञान किसने नहीं दिया आपको, मेरे साथ से बाहर है नहीं। Only 8 to 9 स्टूडेंट मेरे सामने रहते हैं, हमेशा वो सेम रहते हैं। बाय द वे कोई नया चेहरा आता हो तो फिर पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, तो आप लोग यहाँ रहे तो मैं मान के चलना इन 29 में से मैं ओनली इन 8 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ जो मेरे सामने हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई पता ही नहीं, लिख लिए या नहीं लिखे, कर लिए कि नहीं कर लिए, सही हुआ कि गलत हुआ, कोई एक्सप्रेशन उनकी हमें पता नहीं होती है। तो हम वही लोग पढ़ रहे हैं जो सामने हैं, ये मान के चल रहे हैं, और तुम्हारे इशारे या तुम्हारी बातों के अकॉर्डिंग ही मैं स्टडी करवा रहा हूँ। हमेशा कोशिश रखा करते जिंदा रहेंगे तो डेटा वेटा या नेट वेट मिलते रहेंगे, खूब मिलेगा, लंबी उम्र जिएंगे तो लंबा डेटा मिलेगा,
अरे तुम्हें थोड़ी कमाना है, कमाने वाले तो हम लोग हैं ना, तुम्हें तो मजे लेने इतना तेरा। अरे कितने कैंसर आ गई आज के बच्चों को, है ना, कंजूस कहेंगे। आगे आ जाइए, शायद तो को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, शायद तो यहाँ पे चेंज हुआ है, टोल्ड सी टोल्ड मी दैट दैट यूज किया हमने, उसके बाद में सी वुड नॉट हेल्प मी। देखिए मैं ये ब्लैंक भी भर देता हूं, कंप्लीट सेंटेंस हो गए। सी टोल्ड मी दैट सी वुड नॉट हेल्प मी। चेक योर आंसर नाउ। अब देखिए अपने आंसर में इनमें से कौन नहीं मैच होता है ना, चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा। ओके आगे चले, गुड। सिक्स्थ कंप्लीट, दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ, क्लियर। नाउ सेवंथ पे आ जाओ सभी लोग। सेवंथ पे आ जाइए और इसको चेंज कर लीजिए, सेवंथ को चेंज करें तो मैं एट लेके आता हूं। कंप्लीट, सेवन कम कर चुके हो, कर चुके हो, बनाया जो करना था वो कर दिया, सही गलत हो गया जो बनाया, अब हमें चेक करना है ओनली। ठीक है, तो जो करना है कर लिया करो, गलतियां करो जमगे, क्यों, क्योंकि आप अपने माइंड को वहां ले जाओ जहां आपका माइंड जा सकता है, सारी हदें पार कर जाओ। मैं तो इसको प्लीज को देख करके माइंड में क्या सोच लिया वो लिख दो, अपने आप माइंड रुकना शुरू हो जाएगा। बता दूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा सुनेंगे सभी, आप लोग सारे के सारे बड़े हो गए हो, मीन्स टेंथ स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अपने आप को हम बड़ा मानते हैं, किसके बनिस्बत छोटे बेबी के अकॉर्डिंग, तो छोटा बच्चा हो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत बड़े हैं, और अकॉर्डिंग टू मी तुम अभी छोटे, मेरे अकॉर्डिंग तुम छोटे हो। ठीक है, ऐसे तो एक छोटा बच्चा है, आप मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जला लीजिए और रख लो, और छोटे बच्चे को आप खुला छोड़ो, वो भगेगा उस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करेगा, बार बार भगेगा, जपेगा उसको कि मैं बस पता नहीं क्या कर दूंगा इस मोमबत्ती का। अगर हम छोड़ दिए तो वो डेफिनेटली उस पर हाथ मारेगा, जलवाएगा, चिल्लाएगा, लेकिन मत जलने दो और चिल्लाने मत दो, उसको सिखाते हैं हम कैसे। मोमबत्ती को लीजिए हाथ में और इधर से बच्चे का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे मोमबत्ती के पास ले जाइए, और जो ही उसको गर्म भील हो, पकड़ने मत दो, गर्म भील हो वो खींचेगा, खींचेगा फिर पकड़ के ले जाओ, दोबारा से ले जाओ पकड़ के, दो तीन टाइम आप उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती मोमबत्ती के पास ले जाइए, टच मत कर भाई, ले ही जाइए, वो खींचना शुरू कर देगा। अब बच्चे को तो फ्री कर दो, बच्चे को तो फ्री छोड़ दो, और अब मोमबत्ती को ले लो अकेले को, और उसके पीछे लेके चलो मोमबत्ती को, जहां वो जाता है वहां वहां मोमबत्ती लेके जाओ, आगे बढ़ेगा, डटेगा ही नहीं, ऐसे करो, टच करो, टच करो,
नहीं आप उसको नहीं बोलो आओ आओ बग जाएगा। क्या हुआ, इतना सा बच्चा, एक दो साल का बच्चा इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखता है कोई चीज को फील करके। तो तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, जम के गलतियां करो, गलतियां करके फील करना शुरू कर दो। जैसे बच्चे ने की गलती, मोमबत्ती को पकड़ने की गलती कर रहा था, लेकिन अपन ने उसको तरीका दिया, मजा आ गया। तो तुम्हें मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलतियां मेरे जम के शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो। शर्माने किस बात का, अपने घर बैठे हो। बस चलिए प्लीज वर्ड को देखा आपने, प्लीज को देखा, और प्लीज को देख करके शायद तू को आपने किस्मत दिया। क्लियर रानी, रिक्वेस्टेड आगे हिम, रानी रिक्वेस्टेड टू हिम चलाएंगे यहाँ पे, रानी रिक्वेस्टेड टू हिम। चलिए कोई बात नहीं, हो गई रिक्वेस्ट हिम या रिक्वेस्टेड टू हिम, प्लीज गया रिक्वेस्टेड चला गया। अब यहाँ पे लगाएंगे रानी रिक्वेस्टेड हिम टू वर्ब फॉर्म गिव मी, गिव हर हिज बुक। रानी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर हिज बुक, कोमा हटा करके हम टू लगाएंगे। यहां पे अपना हिम आ गया और यहां पे रानी आ गया, चेक कर ले, ठीक है, चेक करें गलतियां हैं उनको क्लियर करें, ठीक है। आगे चलिए, मैं इतनी देर नहीं रुकूंगा। देखिए 8% अभी हमारे पास 4 मिनट्स का टाइम है, आराम से इस 8% को क्लियर करें। तब तक मैं आपको 9th शो करता हूँ, और टाइम नहीं भी रहे तो 9th और 10th को दोनों घर पे कर लेना, बाइबल क्लास बीच में ओप हो जाती है। तो ओके अभी 2 मिनट का टाइम हमारे पास, 8th वाले क्लियर करते हैं पहले, ध्यान देंगे सभी। द ओल्ड लेडी सेड टू मी, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग। ओके तो क्या किया, द ओल्ड लेडी विश्ड, विश्ड करेंगे हम, और ले आपका किस में गया, विश में, ठीक। तो विश फॉर मी, ठीक है, दैट यू आई आई माइट लिव लॉन्ग, द ओल्ड लेडी
wished that I might live long. इस me को यहाँ use ना करें क्योंकि दोबारा से भी ये use होगा you. That I might live long. हो गया? 9th और 10th कल कर लेंगे हम.